दृढ़ मान्यता के साथ आया हूं कि धारा 370 हटाने में एक सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए। आज से ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 ए को खत्म करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के 2 साल बाद अमन चैन की ये तस्वीरें नए कश्मीर की हैं। नया कश्मीर अब विकास की राह पर चल पड़ा है। नए कश्मीर में अब युवाओं के हाथ में पत्थर नहीं किताबें हैं। अब कश्मीर में आतंकवाद का डर कम और विकास की बहार ज्यादा है। डल झील हो या लाल चौक, जम्मू कश्मीर में हर तरफ शान से तिरंगा लहरा रहा है। नए कश्मीर के 2 साल पूरा होने पर बीजेपी से जश्न के तौर पर मना रही है। बीजेपी तिरंगा रैली निकालकर इस दिन को खास बना रही है। तो वहीं वो सियासी पार्टियां जिनकी 370 खत्म होने से सियासत की दुकान बंद हो गई, वो आज 2 साल पूरा होने के बाद भी अनुच्छेद 370 की बहाली का रोना रोने में लगी हुई हैं। पूरा कश्मीर नए आजाद कश्मीर के 2 साल होने पर जश्न मना रहा है, तो बेचैन पीडीपी और महबूबा मुफ्ती काला दिन मना रही हैं। जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है, जो आज धरातल पर जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है। आज जम्मू तथा कश्मीर के लोग संपूर्ण खुशी के साथ यहाँ रह रहे हैं। आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए मातम का दिन है। ये लोग आज जो है मातम मना रहे हैं, जो जुल्म सितम और बर्बरियत का दौर शुरू किया 2019 में बीजेपी की सरकार ने, उसके लिए यहाँ के लोग नालान हैं। और बड़े अफसोस की बात है, पूरे मुल्क के अंदर बीजेपी आज इसकी खुशियां मना रही है जिसका कश्मीरी मातम मना रहा है। जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, महबूबा मुफ्ती को उसमें जुल्म और सितम नजर क्यों आता है? दरअसल जम्मू कश्मीर से 370 खत्म होने के साथ ही पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों ही पार्टियों की सियासी दुकान बंद हो गई। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर पलने वाले आतंकवादियों का खात्मा हो या फिर अलगाववादियों की फंडिंग बंद, पत्थरबाजों पर शिकंजा कस गया। बस इसी बात का मलाल महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे लोगों को है। यही वजह है कि ये दोनों सियासी दल बार बार जम्मू कश्मीर में फिर से 370 को वापस लेने की बात करते हैं और बात बात पर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की जा रही है। जब तक हम अपनी कानूनी पोजीशन बहाल करके मसले कश्मीर के हल के लिए हिंदुस्तान की सरकार को मजबूर करेंगे, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी बातचीत करे इंटरनल डायमेंशन एड्रेस करने के लिए, और एक्सटर्नल डायमेंशन के लिए भी वो पाकिस्तान के साथ बात करे, इसके बगैर कोई चारा नहीं। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला समेत वो लोग जो कश्मीर में अशांति फैलाकर अपनी सियासत साधना चाहते हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। सवाल है, अगर कश्मीरियों को मुख्यधारा में जोड़कर विकास की राह पर लाया गया है तो उसमें क्यों परेशानी है? सवाल ये भी है कि विकास की राह पर चले नए कश्मीर का विरोध करने वाले कैसे घाटी के लोगों का हित चाहते हैं? सवाल ये भी है कि महबूबा मुफ्ती बात बात पर पाकिस्तान का गुणगान और उससे बातचीत करने की बात क्यों करती है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।